हाय, गुड मॉर्निंग डी यूट्यूब व्यूअर्स। तो वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल द आरआर बाइकर्स। आज का ये वीडियो व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ, आज स्पेशली मैं जा रहा हूँ, मेरा जो ड्रोन मैं परचेस कर रहा हूँ अपना DJI का माविक एयर 2S, तो उसको वो आ गया मेरा पुणे में। यहाँ पे लोकल मैंने मंगवा लिया है। आए है अब एक अपना डीलर इंडिया का ही, जो उसने मुझे मंगवा के दिया है। तो आज जाएंगे अपना ड्रोन कलेक्ट करने के लिए और बाकी बातें करते हैं गाड़ी पे। ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेट हो चुका हूँ। बहुत दिनों के बाद गाड़ी निकाली है। पहले गाड़ी को फ्यूल अप कर लिया मैंने घर के बाहर निकलते ही। हवा चेक करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि बहुत दिन बाद, मतलब लगभग 3 हफ्ते हो गए मैंने गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाया था। तो मुझे लगता है पहले मैंने फ्यूल अप कर लेना चाहिए था। तो मैं आ गया पेट्रोल पंप पे। निकलते ही यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपना ड्रोन, जहाँ पे लेने जाना है हमको, जिसके पास लेने जाना है उसके पास जाने की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। मैंने ड्रोन क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि मुझे बहुत सारे, जब मैं लॉन्ग राइड्स को निकलता था, बहुत सारे ऐसे व्यूज थे जो मैं कैप्चर नहीं कर पाता था, आप सभी लोगों को नहीं दिखा पा रहा था। तो इसलिए मैंने ड्रोन लेने की ये डिसीजन लिया है। और ड्रोन मैं कौन सा ले रहा हूँ, DJI का माविक एयर 2S जो है, लेटेस्ट ड्रोन है अभी का। और मैंने उसको फ्लाई भी करके देखा है, तो उसका क्लैरिटी, वीडियो क्लैरिटी वगैरह अच्छा है। तो मैं अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको दिखाना चाहता था, खुद भी एंजॉय करना चाहता था, जो व्यूज़ मैं अपनी आंखों से खुद नहीं देख सकता था ऐसे लंबे राइड्स पे जाने के बाद। तो मैं भी खुद उस व्यूज़ को ड्रोन की आइज से देखना चाहता था। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं ड्रोन ले लूँ। तो आज जा रहा हूँ मैं मेरा ड्रोन परचेस करने के लिए, और देखते हैं अभी ड्रोन हमारा आ जाता है तो कौन सा ड्रोन, कैसे ड्रोन के साथ क्या क्या मिलता है मुझे, मैं सभी दिखाता हूँ आप सभी को। तो पहले अपने ड्रोन का बॉक्स सील जो है वो काट लेते हैं। सील काटने के बाद देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। दो साइड सील लगे हुए हैं, एक ये सब ये वाली साइड और एक अपोजिट वाली साइड जो मैंने पहले काटी हुई। देखते हैं अभी इसके अंदर पैकिंग कैसी है। मैंने वीडियो में तो देखी है पैकिंग कैसे बैग में आता है वो, बट देखते हैं अपना ड्रोन कैसे आया है इसके साथ। बॉक्स ओपन करने के बाद इसके अंदर से निकली अपने बैग, बैग में है अपने ड्रोन और जो कैमरे पैक लिया मैंने वो सभी एक्सेसरी बैग के अंदर है। एक एक मैं आपको उनका भी दिखाता हूँ, कम ज़्यादा मिला मुझे कॉम्बो पैक में डी जी आई इसके साथ। पहले से निकाल के अपना ड्रोन जो देखो इतना बड़ा है। हाँ, अपना मिनी, मुझे डर था कि मिनी वाला ड्रोन मैं लेता हूँ तो बहुत छोटा रहेगा और हवा में वो वाइबल करेगा, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा इसमें। इसलिए मैंने मावी केयर टू एस लिया जो 500 ग्राम्स का ड्रोन है। तो ड्रोन को एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं डैमेज वगैरह नहीं है और सील्ड भी है। और इसके साथ एक एक चीज़ अभी निकालते हैं। ये एक छोटा काला बॉक्स मिला है और इसके साथ ये है अपना RC चार्जर और ये ब्लैक बॉक्स के अंदर है बैटरी, वन बैटरी, एक बैटरी ऑलरेडी ड्रोन में लगी हुई है, ये दूसरी बैटरी और ये तीसरी बैटरी। तीन बैटरियाँ मेरे ड्रोन के साथ है, मतलब लगभग मुझे 30 मिनट भी एवरेज फ्लाइंग टाइम पकड़ लूँ तो भी 30 30 30, मतलब 1.5 घंटा, सवा सवा घंटे से 1.5 घंटा मैं आराम से ड्रोन फ्लाई कर सकता हूँ। बट इतना तो मैं ड्रोन फुटेज डालूंगा नहीं, मैं ड्रोन फुटेज कैप्चर करूँगा 10 मिनट्स का, 2 मिनट्स का या 5 मिनट्स का मैक्सिमम। तो इस हिसाब से भी कुछ मैनुअल्स मिले और एक उसमें से बॉक्स है और ये बॉक्स के अंदर वापस एक मैनुअल है और इसमें कुछ ये है ND फिल्टर, ND फिल्टर के साथ है कुछ केबल्स और उसके ऊपर है। तो इतनी सारी चीज़ें मुझे मिली। इसका कंप्लीट अनबॉक्सिंग रील या वीडियो मैं एक अलग से सेपरेट बना दूंगा। प्रोपेलर्स, फोर सेट ऑफ प्रोपेलर्स मिले मुझे इसके साथ। तो अभी ये रख देते हैं। पहले इस भाई को पूछा कि मैंने प्रोपेलर्स कैसे लगाते, उसने एक लगा के दिखाया। तो एक 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 ड्रोन को असेंबल भी करके देखते हैं, प्रोपेलर्स कैसे लगाते वो भी सीख लेते हैं। ये जो पीछे वाले आर्म्स हैं वो नीचे घुमा के अनफोल्ड करने होते हैं, तो ये कभी कभी मुझे लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है।
ड्रोन अभी अनबॉक्स किया है तो चार्जिंग नहीं है, चार्जिंग का नहीं है तो मैं फ्लाई नहीं कर पाऊँगा। और यहाँ पे चेक करके लेना है तो मुझे वह रुकना पड़ेगा, यहाँ पे आधा एक घंटा रुकना पड़ेगा चार्जिंग होने के टाइम तक। बट मुझे पता है वो सील पैक है और वो जिससे मैंने लिया वो मतलब प्रॉपर डीलर है, अच्छा बंदा है वो, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पे नहीं चेक करता हूँ। मैं इसको पैक करता हूँ वापस और लेके चलता हूँ घर पे, फिर चार्जिंग करूँगा और मैं आपको दिखाता हूँ इसके ड्रोन शॉट्स कुछ। फर्स्ट फ्लाई करेंगे, फर्स्ट फ्लाई के कुछ ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। तो दोस्तों, कल जो हमने ड्रोन परचेस किया उसके लिए वापस एक बार ट्रायल के लिए मैं अपने घर से थोड़ा सा ही पास में आ गया। मतलब ये सेकंड डे है, उस दिन मैं तुरंत नहीं आ पाया, घर आते आते मुझे बहुत लेट हो चुका था। तो सेकंड डे है तो ड्रोन की ट्रायल भी देख लेते हैं और ड्रोन में क्या क्या है, अनबॉक्सिंग है उसका वीडियो तो मैं आपको अलग से वो दिखाऊंगा। 3 बैटरीज मिली है जो अभी के मेरे फ्लाइट के लिए, ट्रायल के लिए, मुझे सीखने के लिए वो थोड़ा सा सही है। 3 बैटरी में बहुत ज़्यादा टाइम सीख लूँगा मैं, 20 20 20 मतलब 60 मिनट तो मैं आराम से खेल सकता हूँ अभी उसके साथ। तो चलो अभी देखते हैं, ड्रोन को उड़ा के देखते हैं। तो चलो फटाफट अपने ड्रोन को असेंबली कर लेते हैं। गिम्बल प्रोटेक्टर भी निकालना ज़रूरी है, वो पहले निकाल लेता हूँ नहीं तो उसकी वजह से बहुत बार एक्सीडेंट हो जाते हैं ड्रोन के। तो प्रोपेलर्स लगा लिया और मैंने प्रोपेलर्स पे बांक कर दिया, ये बी प्रोपेलर, बी प्रोपेलर, प्रोपेलर यहाँ पे, ए प्रोपेलर और ए प्रोपेलर इस साइड पे, ऐसे मार्क कर लिया है। तो चलो असेंबली हो गई अपने ड्रोन की, आरसीवी कंट्रोल भी बाहर निकाल लिया है। तो अभी करते हैं अपने ड्रोन को फ्लाई। मैं कहाँ पर हूँ, कहीं हूँ तो सब ड्रोन के वीडियो में ही चेक कर लो, तो सीखेंगे हम भी। इसने बोल दिया टेक ऑफ। तो चलो हम अभी ड्रोन को फ्लाई करते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे थोड़ा सा ड्रोन फ्लाई करने के बाद हम निकले हैं वापस घर के लिए। जो ड्रोन शॉट मैंने कैसे खींचे वो आप वीडियो में पहले देख ही चुके हैं, बहुत ही ऑसम क्लैरिटी है कि मतलब 20 मेगापिक्सल इतना सफिशियंट है, इतना क्लियर वीडियोज़ आते हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। जो आप खुद मेरे अगले वीडियो में भी देखो और जो अभी ड्रोन शॉट लिए हैं वो भी चेक कर लो, और जो अगले मैं ड्रोन शॉट के कुछ और वीडियो डालूंगा तो उसमें भी चेक कर लो तो कैसा दिखता है मुझे बताइए ज़रूर। कि अपना एयर टू एस, मैविक एयर टू एस जो DJI का ड्रोन मैंने लिया है उसका क्लैरिटी कैसा है, वीडियो शूटिंग कैपेसिटी कैसा है, उसमें सीने मोड है तो मैं मैक्सिमम सीने मोड यूज़ करने का ट्राई करूँगा। सीने मोड वाकई में ऑसम ऑसम मोड है। अभी टाइम हो गया घर पर निकलने का, शाम के बज रहे 5:30, जाते जाते मुझे 1 घंटा लग जाएगा। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड यहाँ पे कर चुके हम, ऑलरेडी पूरा दिन स्पेंड कर चुके हैं, ड्रोन सीखे भी थोड़ा, अपना ड्रोन के शॉट्स भी देखे, ड्रोन खेले भी हम लोग, तीनों के तीनों बैटरी मैंने ड्रेन कर दी खेलते खेलते। तो चलो अभी इसके साथ बढ़ते आगे, जो मैं आगे वीडियो डालूंगा उसमें हर एक वीडियो में आपको एक ना एक ड्रोन शॉट तो देखने के लिए मिलेगा। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थंब का आइकॉन भी दबा दीजिए और जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए बेल का आइकॉन भी दबा दीजिएगा। तो निकलते हैं अभी इसके साथ घर पे अपनी ब्राउनी के साथ। चलो